हे फ्रेंड्स, वेलकम टू गैंग गैंग। आज का टाइटल देखकर आपको कुछ अटपटा तो जरूर लगा होगा, थोड़ी हैरानी, थोड़ी उत्सुकता जरूर हुई होगी। पर ज्ञान तो ज्ञान है और उसको बांटने में आपका दोस्त अंकित कभी नहीं हिचकता। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया की सबसे महंगी टट्टियाँ अर्थात पूप या शिट कौन कौन सी हैं। ओ शिट। तो पहले नंबर पर है सीवेट कॉफी। जी हाँ, ये वही कॉफी है जो द एलीट, द रिच एंड द फेमस बड़ी शान से पीते हैं। ये कॉफी बनती है सीवेट की टट्टी से। तो ये है मिस्टर या मिस सीवेट। टट्टी नुमा कॉफी प्रदान करने में इनका ही हाथ है। हाथ है या ये कहें फॉरगेट इट। सीवेट जानवर की लंबी सी पूंछ होती है और थोड़ा बहुत ये बिल्ली जैसा भी दिखता है। ये तो आपने देख ही लिया। तो एक्चुअली ये कॉफी जो $80 की एक कप है, यानी 5,715 इंडियन रुपीस, वो बनती है उन कॉफी के बीन से जिसको सीवेट खाते हैं, आधा अधूरा हजम करके एग्जिट कर देते हैं। इस शिट को कॉफी बनाने वाले कुछ प्रोसेस से गुजारते हैं एंड वाव, बन गई स्मूथ एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफी। इंडिया में कूर्ग में ये कॉफी बनती है। वेल दोस्तों, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि क्या आप ये कॉफी पी सकते हैं। नंबर टू पे है एम्बरग्रिस। इसे भी एक यूनिक फेनोमिना माना जाता है। रिसर्च से पता चलता है कि इसके फॉसिल्स 1.75 मिलियन साल पुराने हैं और हो सकता है इंसान इसे सिर्फ 1000 साल से इस्तेमाल में ला रहे हैं। एम्बरग्रिस को ट्रेजर ऑफ द सी यानी समुद्र का खजाना या फ्लोटिंग गोल्ड यानी तैरता हुआ सोना कहते हैं। एम्बरग्रिस स्पर्म वेल से प्रोड्यूस होता है जो एक बड़ी मात्रा में सेफेलोपॉड्स जैसे कि स्क्विड, कटलफिश को खाते हैं और जिस चीज को ये स्पर्म वेल हजम नहीं कर पाती उसको उल्टी करके निकाल देती है। मगर कभी कभी उल्टी से भी कटलफिश और स्क्विड के नोकीले अंगों का शेष नहीं निकल पाता और स्पर्म वेल के आंतों में ही रह जाता है। वो इकट्ठा होकर एक मास बन जाता है और धीरे धीरे ये मास बढ़ता है और कई सालों में इसका आकार बड़ा हो जाता है। ये मास स्पर्म वेल के इंटरनल ऑर्गन्स को स्क्विड की नोकीली चोंच से भी सुरक्षित रखता है। कई रिसर्चर्स का कहना है कि एम्बरग्रिस वेल वॉमिट यानी उल्टी है। कई कहते हैं ये वेल की टट्टी है। आप हैरान होंगे ये सुनकर कि एम्बरग्रिस जब सूख जाता है तो इसमें से एक खुशबू आती है जिससे परफ्यूम्स भी बनते हैं। एम्बरग्रिस कई सालों तक समुद्र में तैरता रहता है और बड़ी किस्मत से मिलता है। एम्बरग्रिस का एक छोटा चंक $63,000 तक का होता है। अमेरिका में इसको बेचना गैर कानूनी है। इंडिया में इसी साल मुंबई पुलिस ने नागपुर के रहने वाले एक आदमी को अरेस्ट करके उससे करीब 1.5 किलो एम्बरग्रिस बरामद किया जिसकी कीमत 1.7 करोड़ थी। एक बार एक ब्रिटिश कपल को समुद्र के किनारे बड़ा सा टुकड़ा मिला एम्बरग्रिस का जिसकी कीमत थी $70,000। बस फिर क्या था, लॉटरी लग गई दोनों की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आप समुद्र के किनारे जाएं तो नजर रखें, क्या पता आपकी भी किस्मत चमक जाए। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। टेक केयर, लव यू ऑल।